एक छोटे मियाँ के साथ हम कह रहे हैं, एक मिनट के अंदर इज्जत से जाने दो वरना। वरना क्या कर लेगा तू? वरना नाचेंगे। हाँ नहीं सही है, नाच लो। इन्होंने तो पता नहीं क्या किया है, बिकॉज देखो मूवी देखने जाओ या ना जाओ, मूवी के नाम पे तो बिल्कुल ही मत जाना। ट्रेलर देख के समझ तो आ ही गया होगा, बट अगर नहीं समझ आया तो अलाउ मी टू टेल यू कि ओरिजिनल बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो थी उसका बस नाम है, टाइटल ट्रैक है और रेफरेंस है। बाकी इस मूवी में उस मूवी से रिलेट होने वाला कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि इस मूवी में कुछ है भी या नहीं, क्योंकि मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि सेम नाम रखने की भी क्या जरूरत थी। टू मी इट डज नॉट मेक मच सेंस अनलेस आई एम मिसिंग आउट ऑन सम इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो। बट फर्स्ट आई एम नॉट श्योर इफ यू गैस रिमेंबर और नॉट, बट अगर कॉफी विद करण का सेकेंड लास्ट सीजन तुमने देखा है तो यू माइट रिमेंबर दिस। यू नो वन थिंग आई अंडरस्टैंड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इज यू नो हियर इन आवर हिंदी सिनेमा actors are very scared of doing two heroes, three hero film. Right. I don't know why. And इस बात से मैं भी agree करता हूँ definitely, because just look at all the previous multi-star movies यार, almost सब ने अच्छा perform किया है और सारे कितने अच्छे भी थे। But by multi-star I do not mean this. I mean हमारे बचपन के time के जो अच्छे पूरे तराशे हुए खिलाड़ी तराशे हुए actors हैं जिनकी performance हमें पता है कि अच्छी है, already established है market में, उन actors की बात कर रहा हूँ। I want movies like भागम भाग, हेरा फेरी, कच्चे धागे, रंग दे बसंती, ओमकारा वगैरह वगैरह। And secondly अक्षय कुमार used to be my favorite actor पहले, बट काफी साल हो गए, अब ही इज नॉट एनी मोर। आई जस्ट डोंट लाइक हिज मूवीज अब आजकल जो वो बना रहे हैं। सो दैट इज वाई जब मैंने बड़ी मियाँ छोटी मियाँ का ट्रेलर देखा तो मुझे सिर्फ एक ही रीजन से इंटरेस्ट आया था, दैट इज कि पृथ्वीराज इस मूवी का विलन है। दैट इज द ओनली थिंग दैट हुक मी अप, बिकॉज आई रियली लाइक द काइंड ऑफ एंटागनिस्ट दे वर ट्राइंग टू क्रिएट। सो आई जस्ट हैड टू सी कि इन लोगों ने पृथ्वी के साथ किया क्या है। लेकिन टू बिगिन विद मेरा सबसे बड़ा इशू ये है कि नो मैटर हाउ मच यू लाइक विच एक्टर, टू एंजॉय एन इंडियन मूवी, टू हैव दैट क्लासिक इंडियन मूवी एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट सिंपली कीप वॉचिंग द सेम घिसी-पिटी स्टोरी लाइन, राइट? मतलब कब तक और कितनी बार यूज करोगे? क्योंकि 2024 में अभी तक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 5 एक्शन मूवीज आ चुकी हैं, जिसमें से 4 तो हिंदुस्तान पे हो रहे किसी अटैक के बारे में थी, फिक्शनल, नॉट इवन अ ट्रू स्टोरी। इवन लास्ट ईयर भी 6-7 मूवीज सेम प्रेमिस पे बना दी। चलो मान लिया कि हर मूवी का विलन अलग होता है, उसका काम अलग होता है, धंधा अलग होता है, वेपन अलग होता है, मकसद अलग होता है, ओरिजिन भी अलग होता है वगैरह वगैरह, बट ब्रो एट द एंड ऑफ द डे कर तो एक ही चीज रहा है ना, हिंदुस्तान पे अटैक। बट स्टिल इन दिस मूवी आई फेयरली एंजॉयड द फर्स्ट हाफ, बिकॉज एक्शन अच्छा था, सेट्स अच्छे थे, डायरेक्शन भी अच्छा था, बस जोक्स नहीं थे, वो सरदर्द थे, स्पेशली टाइगर के। ट्रेलर में जो ईगो वाला डायलॉग है ना, वो तो भाई सोलली डिक राइडिंग के लिए लिखा गया, वो बिल्कुल मतलब सुनने बैठोगे ना कतई बेकार है। बट द स्टोरी वॉज गोइंग फाइन, जस्ट द स्टोरी, हाँ, नॉट द डायलॉग बाजी। इवन द प्लॉट ट्विस्ट वॉज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड, बट इट वॉज गुड इनफ। लेकिन सेकेंड हाफ में जो विलन का ऑरिजिन स्टोरी स्टार्ट किया है, भाई साहब लिटरली वो देखते ही ना, सच बता रहा हूँ, वो देखते ही मुझे नींद आने लग गई थी, बिकॉज आई न्यू वो एग्जैक्टली व्हाट वाज गोना हैपन नेक्स्ट। अब तुम अगर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकलिटी के बेसिस पे जाओगे, देखोगे, यू नो लाइक आई सेड, डायरेक्शन अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी, सेट्स, एक्शन, स्टंट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन द मूवी, तो तुम्हें शायद मूवी अच्छी लग सकती है, आई डोंट नो, मजा आ सकता है शायद से, बिकॉज ऑल दो थकी हुई कॉमेडी थी, बट कुछ कुछ जोक्स आजकल काफी सेल्फ अवेयर वाले मार रहे हैं लोग, जैसे नेपोटिज्म और खराब एक्टिंग वाले, तो वो अच्छे लैंड कर जाते हैं। लेकिन एट द क्रक्स ऑफ इट आई वुड से That's just lazy writing. And Akshay and Tiger ka duo surprisingly works well because dono action heroes hain. Story jaisi bhi ho in general, action mein to dono pretty much on the top of their game hi hain. In fact, this movie mein dono female leads se better chemistry in dono ki aapas mein chal rahi hai. But then once again, hum ghoom phir ke fir se purani problem pe wapas aa jate hain in that case. That is ki Tiger ki acting. At this point, it's just monotonous. ऊपर से dialogues भी इसको टपोरी टाइप के दे देते हैं हर मूवी में, मतलब no matter इसका profession क्या है, इसके dialogues टपोरी वाले होंगे। I don't see the reason why, क्या जरूरत क्या है? इसके चक्कर में किसी भी conversational scene में ना मजा खराब हो जाता है। And another issue, like I said, is with the second half ना, तो villain का तो hype बहुत बढ़िया कर दिया इन लोगों ने, लेकिन जब back story की बात आई तो ऐसा हगा है कि क्या बताऊँ, क्योंकि किसी भी विलन का ना अगर तुम उसे कुछ अच्छी स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी दे दोगे ना, तो फिर पूरे मूवी में मजा आएगा, बैक स्टोरी जानने में भी मजा आएगा, आफ्टर मैथ देखने में भी, एंड मोर ओवर रिवेंज हो या रिडेम्पशन हो, वो देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। इसमें दे हैड अ रियली गुड स्कोप सच में टू डू समथिंग गुड, बट इट वॉज सिंपली अ वेस्टेड विलन, सीरियसली अ वेस्टेड विलन। स्पॉइलर अलर्ट, वो अभी मरा नहीं है, जिंदा है, बट विद दिस काइंड ऑफ स्टोरी आई होप वो मरी जाए तो ही अच्छा है, बिकॉज जब विलन का कुछ ढंग का ओरिजिन ही नहीं है, कुछ बेस ही नहीं है, तो आगे क्या ही करेगा, फुद्दू ही कटेगा, फुद्दू ही लगेगा। एंड यही इशू है मेरा इन जनरल कि दे नो हाउ टू सेट अप समथिंग गुड, बट दे डू नॉट नो हाउ टू कैरी इट अहेड, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कचरा कर देते हैं। पठान में भी सेम हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई बिलीव इस मूवी में द म्यूजिक
म्यूजिक ऑल्सो कुड हैव बीन अ लॉट बेटर. प्लस ये भाई मस्त मलंग झूम सॉन्ग के हुक का स्टेप जो था भाई साहब, ये इसका तो क्या ही बताऊं मैं, इतनी कमी तो नहीं होनी चाहिए कोरियोग्राफर्स की अपने पास. एंड द प्रॉब्लम इज कि इस सॉन्ग के अलावा भी बाकी जो भी गाने हैं ना उनको तुम सुनोगे तो लगेगा एफर्ट डाला ही नहीं है, इतने स्लीजी गाने हैं. आई मीन अगर तुम इतने बड़े एक्टर्स को कास्ट कर रहे हो और तुम मार्केटिंग ऐसे कर रहे हो कि ये तो भाई 2024 की बिगेस्ट एक्शन मूवी होने वाली है, जो कि होने भी नहीं वाली बिकॉज कल की पुष्पा 2, कंगुवा और शायद से सिंगम अगेन भी आई थिंक सो आई गेस आ रहे हैं, तो तुम कम से कम उसमें सॉन्ग्स तो अच्छे डालो, ऐसे कैसे चलेगा. खैर पॉइंट बीइंग आई डिड नॉट एग्जैक्टली हैव एनी हाई होप्स फॉर दिस मूवी. मुझे बस पृथ्वीराज को एक अच्छे तगड़े विलन के रोल में देखना था, यू नो समथिंग लाइक ही डिड इन कुरुदी. बहुत ही बाय द वे बहुत ही अच्छी मूवी है, देखना अगर टाइम मिले तो. एंड इवन दो स्टोरी वाइज दे डिड हिम बैड, रियली बैड, बट हिज परफॉर्मेंस फॉर मी पर्सनली वॉज वेरी सेटिस्फाइंग. बट क्या कर सकते हैं, मूवी तो तभी पसंद आएगी ना जब सब कुछ अच्छा हो, वरना इंटरेस्टिंग स्टोरी तो अब देखने जाओगे तो देशद्रोही भी इंटरेस्टिंग लग जाएगी, क्या बड़ी बात है उसमें. Anyway, that's all what I had to say about the movie. अब तुम लोग बताओ, आ जाओ कमेंट सेक्शन में, देखते हैं, बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं. What do you, अगर तुमने देख लिया तो आओ बताओ क्या सीन है, नहीं देखिए तो बताओ क्या सीन है. Whatever you like.